काम है देश को आकर चलाना। और वैसे भी नारा तो ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि सबका साथ सबका विकास, हमें विकास की जगह विनाश क्यों नजर आ रहा है। सिटीजनशिप किसको दी जाएगी या फिर ये एक वोट पॉलिटिक्स हो रही है, एक वोट बैंक बनाने का तरीका है कि स्ट्रॉन्ग रूम बन जाए जहाँ से हमारे वोट पॉलिटिक्स चल भी रहे और कोई भी उससे कोई भी कम्युनिटी को सेटल करने के लिए नहीं बचे। इज दिस व्हाट गोइंग ऑन? क्यों स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने पे लाठियां मारी जा रही हैं? क्यों हमारे हाथ में अगर वॉलेट्स होते हैं तो उनको मीडिया स्टोन्स बताती है और स्टोन पेंटर्स कहती है? इस हद तक का दूसरे का डीमोनाइजेशन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अगर बेटी आवाज उठाए तो बेटी को पिटवाओ, ये है इनका कानून। ये सारे लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई डरना नहीं चाहिए, हम इनकी लैंग्वेज देखे या हमारे लिए गोलियों की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं इस पर। दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। जो हमारे होम मिनिस्टर है वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि चाइना बाग वाले को करंट लगे। वो हमारे होम मिनिस्टर है और फिर ट्विटर में ट्रेंड किया जाता है रिस्पेक्ट योर प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर हमें कहते हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचानो, और हम भी अगर वी आर डोंट डू अ फेस इन द ट्रेंड डायरेक्टली बिकॉज ऑफ सच स्टेटमेंट। क्या प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया जाएगा कि उनकी स्टेटमेंट का क्या मतलब था? अगर हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है तो क्या इस स्टेटमेंट का सवाल नहीं उठना चाहिए? Yes, I have decided, I dared, because अब तो ये एक dare की बात हो गया, dared to dress differently. तो क्या मैं एक आतंकवादी हूँ? Just because I am wearing differently. Tell me, एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे सवाल करते हैं, होम मिनिस्टर ऐसे एक बातें करते हैं, जो मिनिस्टर से सवालों के बाद गोली गोली की बात हम जो होती है, क्या हमारी तरफ से गोलियां चल रही हैं? क्या हम बैठ कर सड़क पर अपनी आवाज अगर उठाते हैं तो हमें इतना अदराइज कर दिया जाता है कि इंडिया के यहाँ से हम बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं? जैसे दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द होम मिनिस्टर। और ये जो लैंग्वेज जो डायलॉग इनिशिएशन की बात है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए थी। हमें इतना अदराइज क्यों कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि बात करनी चाहिए? क्या हम लायक नहीं बचे इस गवर्नमेंट के लिए कि हमसे बात की जाए, क्या हमारी बात सुनी जाए? उससे पहले हमें इतना विलीफाई कर दिया, वो मीडिया हो या वो गवर्नमेंट हो या वो उनके फिर रेडिकलाइज लोग हो जो आकर हमें हम पर गोलियां चलाते हैं, हम पर FIRs होते हैं, पुलिस वाले हमें प्रोवोकेटिव स्लर्स बोलकर मारते हैं। सेवियर फेसेस इन आवर यूनिवर्सिटी। ये माएं बहने इसलिए हम आकर बाहर बैठे हैं क्योंकि उनके बच्चों के ऊपर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में घुस कर मारा जाता है उन्हें। दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। आसाम का मॉडल हमारे सामने है। इफ इट्स अबाउट लोग कह रहे हैं कि लेने ये सिटीजनशिप लेने का एक्ट नहीं है, देने का है, तो एक मॉडल हमारे सामने है, हमने देखा है। द पर्सन हु सर्व्स 37 ईयर इन द आर्मी, उसका नाम नहीं है लिस्ट में। जो हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी फैमिली मेंबर्स का नाम नहीं है लिस्ट में। तो ये बताइए कि ये कौन सा कानून चल रहा है? आर ओनली टू पीपल इन दिस वर्ल्ड गोइंग टू इन दिस कंट्री गोइंग टू डिसाइड कि सिटीजनशिप किसको दी जाएगी, या फिर ये एक वोट पॉलिटिक्स हो रही है कि एक वोट बैंक बनाने का तरीका है कि स्ट्रॉन्ग रूम बन जाए जहाँ से हमारे वोट पॉलिटिक्स चल भी रहे और कोई भी उससे कोई भी कम्युनिटी को सेटल करने के लिए नहीं बचे। इज दिस व्हाट गोइंग ऑन? हमारे सवालों को सुनने के लिए कौन यहाँ पर है बताइए? आप लोग आए हैं तो हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं। अमित शाह ने एक गेम खेला हमारे साथ, कहा कि आप आइए हम आपकी बात सुनेंगे, और जब गए तो अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। तो इज दिस अ गेम गोइंग ऑन बताओ? हमारी कोई हमारे यहाँ पर बैठना कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर इंसल्ट होते हैं, स्लैंडरिंग होता है कि 500 रुपये लेकर बैठती हैं औरतें। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी इस कंट्री के सिटीजन हैं। क्या हम ये यहाँ पर ये सब सुनने के लिए बैठे हैं? यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अगर बेटी आवाज उठाए तो बेटी को पिटवाओ, ये है इनका कानून। एक तरफ वो ये कहते हैं कि वो 3 तलाक का बिल लाएंगे, मुसलमान औरतों को छुड़वाएंगे। आज वही मुसलमान औरतें बैठी हैं, आज वही मुसलमान औरतें उनसे सवाल कर रही हैं, तो उनके जवाब सारे कहाँ से ले गए हैं? अ वेरी लीडिंग चैनल NDTV की तरफ से मेरे पास परसों कॉल आई थी, दे वांटेड अ वुमेन प्रोटेस्टर फ्रॉम शाहीनबाग टू स्पीक फॉर देम, एंड व्हेन दे केम टू न्यू कि आई कवर माय फेस, दे वर नॉट कंफर्टेबल कॉलिंग मी देयर। तो क्या एक अक्लोज ऑफ पीस है इट्स सो रेडिकलाइज्ड इन द
चली जाएगी तो पहले वो कहते फेस कवर करने वाली और ऑप्रेस्ड है एंड टुडे व्हेन दे आर कमिंग आउट एंड रेडी टू स्पीक दे आर नॉट गेटिंग कम देयर प्लेटफॉर्म्स सो इज दिस फेयर इज दिस वुमन एम्पावरमेंट अ वुमन कैन बी शी इज एम्पावर्ड एनफ टू रिमूव हर क्लोथ बट इज शी नॉट एम्पावर्ड एनफ टू वियर इट वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री लेकिन व्हाई देयर इज सो मच रेडिकलाइजेशन क्या करें और एक कवर दे तो उसकी अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया जाता है दिस इज नॉट फेयर हमारा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से हम बाहर आके बैठे हुए हमारे हमारे एग्जिस्टेंस के सवाल उठाया जा रहा है ये कौन होते हैं हमारे एग्जिस्टेंस के सवाल उठाने वाले हमारे बाप दादा का जो है वो खून लगा है इस सॉइल में इस मिट्टी में हमारा खून मिला हुआ है ये खून उठाकर देखें ये मिट्टी उठाकर देखेंगे किसका खून है ये उस पर डिसाइड करेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है हाउ डेयर दे हर इंडियन को इस बात पे आउटरेज हो जाना चाहिए कि हाउ डेयर दे ब्रिंग अप सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जिस चीज को 70 साल पहले हमने इनकार किया था जिस पाकिस्तान के आइडिया को हमने इनकार किया था आज वो पाकिस्तान यहाँ बनाया जा रहा है शेम ऑन देम शेम ऑन द पीपल हु आर स्पीकिंग अप पीपल मैम एक टेक्निकल पॉइंट था जो मैं रेज करना चाह रही थी यहाँ पर वही बात मुझे रिपीट करनी होगी कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है और इस वजह से यहाँ से प्रोटेस्ट हटा दिया जाए इनकन्वीनियंस ही सिर्फ नहीं है हक भी है मतलब दोनों चीजें हैं लोगों का हक है जो आप हक जो है टू यूज पब्लिक एग्जैक्टली हक जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसको यूज करने का जी दैट्स इट जी जी एग्जैक्टली जो वो हक है जी तो उस हक को बचाने के लिए मैम अगर हम ये रोड खोलते हैं और अपना प्रोटेस्ट यहाँ से उठाते हैं तो हम अपनी जेनरेशन का जो हक है यहाँ रहने का उसको स्टेक पर लगाएंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड इट तो अगर जो लोग जाम में फंस रहे हैं तो वो 2 घंटे जाम में फंस रहे हैं लेकिन हमारी जेनरेशन को आगे न जाने कितनी जेनरेशन को ये प्रूव करने में लग जाएगा कि हाँ हम इंडियंस हैं और हम घुसपैठिए नहीं हैं हमारे बाप दादा यहीं पर पैदा हुए यहीं रहे उनका खून भी इस मिट्टी में शामिल है और ये कोई ऑफिसर आएगा एनपीआर का जो एक्सरसाइज होनी है एनआरसी का पहले तो कहा गया था कि आकर रहेगा और हर जगह आकर रहेगा लेकिन फिर कहा गया कि अभी उसकी कोई बात नहीं है हालांकि उसको भी उसमें भी डाउट रखा गया है कि शायद वो बाद में ले आए लेकिन एनपीआर की जो बात है तो एनपीआर अगर आता है तो वो एक्सरसाइज जो शुरू होगी वो हमारे घरों में आकर हमसे इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे और फिर वो अपने ऑफिस में बैठ कर ये डिसाइड करेंगे कि हम जो हैं वो सिटीजन्स हैं या हम डाउटफुल सिटीजन्स हैं तो ये डाउटफुल होना या सिटीजन की श्योरिटी होना ये वो ऑफिसर को किसने दी है ये हम लोग देश को बनाते हैं गवर्नमेंट का काम है देश को आकर चलाना और वैसे भी नारा तो ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि सबका साथ सबका विकास हमें विकास की जगह विनाश क्यों नजर आ रहा है हमें विनाश क्यों नजर आ रहा है सबका विश्वास इतनी औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं मुसलमान महिलाएं जिनके लिए ट्रिपल तलाक बिल आया इनके विश्वास के बारे में कब बात की जाएगी कब इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा कि अच्छा आप लोग परेशान हैं आप लोगों को ये लॉ जो है उससे लग रहा है आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी और क्योंकि पूरा सिविल सोसाइटी पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ नहीं जानते सिर्फ गवर्नमेंट जानती है सीएए एक सिटीजनशिप देने का कानून है बल्कि लेने का नहीं तो क्यों नहीं वो आकर हमें समझाते क्यों नहीं वो हमसे बात करते क्यों वो स्टूडेंट्स की आवाज से डरते हैं क्यों स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने पे लाठियां मारी जा रही हैं क्यों हमारे हाथ में अगर वॉलेट्स होते हैं तो उनको मीडिया स्टोन्स बताती है और स्टोन पेंटर्स कहती है इस हद तक का दूसरे का डीमोनाइजेशन कि दूसरे का वजूद खत्म कर दिया जाए ये नहीं हो सकता मैम ये नहीं हो सकता हम लोग जिंदा हैं अगर आपको चाहिए कि हम आवाज ना उठाएं तो आप दे दें हमें यूथनेशिया की इजाजत कर दें हमें खत्म हम क्योंकि हमारे मजहब में सुइसाइड अलाउड नहीं है हम सुइसाइड नहीं कर सकते यूथनेशिया मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ ये एक ऐसा कानून है कि जब कोई जिंदगी से अपनी इतना परेशान हो जाता है अक्सर जो लोग बहुत बीमार होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं तो वो या उनके घर वाले गवर्नमेंट से इजाजत मांगते हैं कि उनको मौत दे दी जाए तो अब हमारी हालत भी उन बीमार लोगों जैसी हो चुकी है हम इतने परेशान हैं जिंदगी से इस गवर्नमेंट ने जो लॉज लाए हैं जिस तरह का माहौल बना दिया इस कंट्री में कि हम इस कगार पे हैं कि हम गवर्नमेंट से मांग लें कि वो दे दे हमें यूथनेशिया और हम मर जाएं हम इस तरह मर जाएं वो बेहतर है एक जिल्लत की जिंदगी से डिग्निटी की मौत मैम बेहतर है और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह
सिटीजन की तरह, हालांकि हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हालांकि बात जीने और मरने की आ चुकी है हम पर, लेकिन हम तो भी लॉ के हिसाब से हम ये अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें यूथनेशिया दे दें, आप हमें मरवा दें, हमें जिस तरह चाहें आप हमें मरवा दें, लेकिन हमसे हमारी आवाज उठाने का राइट ना छीने। थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आप दोनों बेटियों ने जो कई मुद्दे उठाए हैं अपने आप में, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर बहस होगी, उन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो, तो उससे उस मुद्दे पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन बहरहाल इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उन सब बातों को, लेकिन जिस हिंदुस्तान में आप जैसी बेटियां हों उस हिंदुस्तान को कभी खतरा हो सकता है? इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।